नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अनबॉक्स वाईटी पर। दोस्तों आज का एक स्पीड टेस्ट वीडियो है जो कि OnePlus 60 के साथ यहाँ पे Oppo F11 Pro जो दोनों फोन्स हैं यहाँ पे उसका हम करेंगे स्पीड टेस्ट। और इस फोन में एक फोन में है स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट और दूसरे फोन में है हीलियो P70 जो मीडिया टेक की तरफ से आता है। तो दोस्तों अगर आप इस फोन का स्पीड टेस्ट को अगर पसंद करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी नए नए इस वीडियो अपलोड करो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहे। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो स्पीड टेस्ट का रूल है वो है बूट टेस्ट। यहाँ पे तो हम दोनों फोन्स में ही बूट टेस्ट करेंगे। तो पहला जो फ़ोन है वो है OnePlus 60 Pro, इसको यहाँ पे इसके सेट कर लेते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे Oppo F11 Pro, उसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं और दोनों को ही यहाँ पे बूटिंग टेस्ट पे लेके जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा फ़ोन पहले यहाँ पे बूट होता है।
यहाँ पे Oppo F11 ने यहाँ से जल्दी ओपन कर लिया, फिर भी यहाँ पे OnePlus 16 अभी भी अपडेट के यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट अपडेटेशन यहाँ पे दिखा रहा है, पर कोई अपडेट नहीं आ रहा है। फिर भी यहाँ पे लॉगिन पे जाने के लिए इसने बहुत टाइम ले लिया, जहाँ तक यहाँ पे Oppo F11 ने यहाँ पे इसको जल्दी से ओपन कर लिया है। तो चलिए फिर से इसको रिवाइंड कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं। तो पहले जो एप्लीकेशंस हमने खोले थे वो थे फेसबुक, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो फेसबुक जो भी है वहाँ पे सेम जगह पे है। फिर आते हैं इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे भी सेम ऑप्शन सेम जगह पे ही है। फिर आते हैं फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट पे भी सेम जगह पे किसी ने रिलोड नहीं दिया है। फिर आते हैं अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन भी सेम एप्लीकेशन वहाँ पे खड़ा हुआ है। फिर आते हैं यहाँ पे सबवे सफर्स पे, और सबवे सफर्स भी सेम जगह पे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे गाना एप्लीकेशन पे, और गाना एप्लीकेशन भी यहाँ पे सेम जगह पे। फिर आते हैं हमें हॉटस्टार पे, दोनों एप्लीकेशन ही सेम जगह पे रन कर रहे हैं अभी तक। फिर आते हैं यहाँ पे मैप्स पे, मैप्स भी यहाँ पे हाँ सेम जगह पर यहाँ पे OnePlus 16 ने फिर से यहाँ पर रिलोड लिया, क्योंकि मैप्स पे वो ऑफलाइन दिखा रहा था, और फिर जाके यहाँ पे Oppo F11 भी ऑफलाइन था, वो भी यहाँ पे ऑनलाइन आ गया है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे YouTube एप्लीकेशन पे, ड्यूटी एप्लीकेशन भी बैकग्राउंड पर रन कर रहा है, कोई भी एप्लीकेशन अभी तक रिलोड हुआ नहीं है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे टेम्पल रन पे, और टेम्पल रन भी आप यहाँ पे रन कर रहे हैं, पर यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जब भी आप कोई भी गेम ओपन कर रहे हैं OnePlus 16 पे, वहाँ पे गेमिंग मोड ऑटोमेटिकली जब भी ऑन होता है, यहाँ पे CPU ऑप्टिमाइज और GPU ऑप्टिमाइज दोनों यहाँ पे चालू हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर आप गेम कभी भी छोड़ के जाते हो तो नॉर्मली गेम क्रैश होने वाले यहाँ पे नहीं है। तो OnePlus के लिए एक बड़ी एडवांटेज है कि गेम क्रैश यहाँ पे नहीं होते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे PUBG पे, जो आखिरी हमने ओपन किया था, और देख सकते हैं आप फिर से यहाँ पे गेमिंग मोड यहाँ पे चालू हो गया, और जो भी जहाँ पे हमने PUBG को छोड़ा था वो वहीं पे है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली साफ हमें दिख रहा है कि इस जो स्पीड टेस्ट है, स्पीड टेस्ट में कौन विनर है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो एप्लीकेशन से यहाँ पे जो OnePlus 16 है उसने ये ओपन कर लिए हैं बहुत ही फास्टली। पर Oppo F11 में कुछ सिमिलर डिफरेंस था, वो दोनों में कुछ माइनर डिफरेंस है दोनों में, पर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा कि OnePlus ने ज़्यादा अच्छी परफॉर्म की है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 845, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। और Oppo F11 एक मिड रेंज फ़ोन है, आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं, यहाँ पे भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो आप अगर कंसिडर करते हैं कम रेंज में कम प्राइस का अगर फ़ोन, तो मैं रिकमेंड करूँगा Oppo F11 को। अगर आपको बेहतर डील मिल रही है अमेज़न पे अगर OnePlus 16 के लिए, तो आप OnePlus 16 के लिए भी जा सकते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे OnePlus 16 भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं नए नए वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें।